अबरार साहब मिले और वो भी बड़े इंटरेस्टेड थे कि यार मुझे आपके साथ एक्टिंग करनी है। कहलाता हूँ कि बड़ा चूजी हूँ, आर्टिस्टों की डेटें हमेशा आपको आगे पीछे कर देती हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है, न सिर्फ गर्मियों में बल्कि सख्त गर्म रमजान में भी रोजे रख के भी शूटिंग की है। 12 बजे के बाद हमारी जबानें बाहर होती थी। एक मेन विलन के जो मैं एक थिएटर से लेके आया हूँ, वो थिएटर का एक्टर है, उस्मान जावेद नाम है उसका। जिस कदर एक्शन पुलिस वाला करता है वो तो है इसके अंदर, बिल्कुल है। सिंगर्स का एक्टर्स बनाना चाहता है लड़का। दो मिनट के अंदर मुझे ये सब थाने की हदूद से बाहर चाहिए। थोड़ा सा फनी है, मैं स्क्रिप्ट के मामले में बड़ा कहलाता हूँ कि बड़ा चूजी हूँ। मैं कम डायरेक्शन करता हूँ क्योंकि मैं अदाकारी से भी अपना घर चला लेता हूँ, तो इसलिए मैं स्क्रिप्ट बड़ा सोच समझ के चूज़ करता हूँ, और जिसके लिए मुझे बहुत बातें सुननी पड़ती हैं। तो मैंने 1-2-3 स्क्रिप्ट जब रिजेक्ट किए तो मोमिना जो हमारी बॉस हैं, जिनके लिए हम काम डायरेक्शन करते हैं, उन्होंने कहा नहीं, अब मैं तुम्हें एक ऐसा स्क्रिप्ट दूंगी जो कि तुम मना नहीं कर सकोगे। तो मैंने कहा अच्छा क्या स्क्रिप्ट है, तो उन्होंने बताया कि हाशिम नदीम साहब का ये चोक सरकार। अच्छा, हाशिम नदीम साहब का से नाम से अच्छी तरह से वाकिफ़ है, उनके ड्रामे देखे हुए हैं, उनकी कहानियाँ पढ़ी हुई हैं। तो मैंने पहली बार शायद ज़िंदगी में बग़ैर पढ़े और मैंने कहा ठीक है, हाशिम साहब का स्क्रिप्ट है, यकीनन अच्छा होगा, मैं कर रहा हूँ। इस तरह से मैंने इस स्क्रिप्ट का पहला जो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ जोक, उस वक्त इसका नाम जोक सियाल था, बाय द वे जोक सियाल, क्योंकि इसका इलाका जो है वो जोक सियाल है, लेकिन बाद में हमने सोचा कि इलाका इतनी मरतबा आया है कि इसको, और फिर एक जोक सियाल पुराना हमारे बचपन में एक टेलीविज़न पे चल चुका है एक सीरियल जोक सियाल, जो अपने दौर का बड़ा मशहूर ड्रामा था, तो फिर सबके कंसेंसस से फिर इसका नाम जोक सरकार कर दिया गया। मेरे पास तो स्क्रिप्ट से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक जो जर्नी थी, इसमें सबसे बड़ा हमारे पास एक जो मरहला था वो था लोकेशन हंट का, क्योंकि ये एक ऐसा गांव जो गांव है जहां पे आबादी भी है, येट सहरा भी साथ लगा हुआ है, जहां पे एक हवेली भी है, जहां पे इस तरह का माहौल भी है कि जहां पे सहरा में लोग गुम हो जाते हैं। तो इस तरह की लोकेशन ढूंढना किसी एक इलाके में ख़ासा मुश्किल काम था, और उसके लिए हमने कोई 2 बल्कि 3 रेकीज़ की मुख्तलिफ। थर की भी एक रेकी की हमने सिंध में ढूंढने की कोशिश की, फिर उसके बाद हम यहाँ पे हमने फाइनली बार लेक भावलपुर के पास चोलिस्तान डेजर्ट के आसपास हमने इसको शूट किया, और अपने तौर पर सोचा था कि इसको सर्दियों में कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आर्टिस्टों की डेटें हमेशा आपको आगे पीछे कर देती हैं, और हमने न सिर्फ गर्मियों में बल्कि सख्त गर्म रमज़ान में भी रोज़े रख के भी शूटिंग की है, जब 12 बजे के बाद हमारी जबानें बाहर होती थी। तो इसलिए इम्प्लीमेंटेशन में तो बड़े बड़े चैलेंजेस थे। ESP अरसलान मुअत्तल। अपनी फिक्र कर मीरल, अब तो वो वर्दी भी नहीं रही जिसका मैं लिहाज करता। अच्छा, कुछ तो रिकमेंडेशंस इसके अंदर हाशिम नदीम साहब की थी। वैसे हमारे पास आमतौर पे कास्टिंग की जो सबसे ज़्यादा जिनकी कास्टिंग में हेल्प होती है वो मोमना खुद होती है, वो सब इनमें सिवाय एक मेन विलन के जो मैं एक थिएटर से लेके आया हूँ, वो बच्चा पहली बार किसी बड़े ड्रामे में काम कर रहा है, छोटे मोटे कैरेक्टर उसने कभी किए हैं, लेकिन वो थिएटर का एक्टर है। ये सब थाने की हदूद से बाहर चाहिए। ESP अरसलान मुअत्तल। अपनी फिक्र कर मीरल, अब तो वो वर्दी भी नहीं रही जिसका मैं लिहाज करता। मुझे जिन लोगों ने देखो, मुझे आमतौर पे हैरान कोई बंदा अच्छी अदाकारी करके नहीं करता, मैं मतलब खुश, अगर आपका इसका मतलब हैरानी का मतलब है कि खुशी वाली हैरानी, तो मुझे वो अच्छी एक्टिंग जो होती है ना, वो तो गॉड गिफ्टेड होती है,
जिन लोगों को आती है, जो लोग हैं अब बहुत से अच्छे एक्टर हैं, जो आप एद शाम से या सलीम महराज से या शहूद अलवी से कोई सीन कहेंगे, जो नुमान एजाज से, आप अच्छे सीन अच्छे ही करते हैं, ये बॉर्न गुड एक्टर्स हैं। लेकिन मुझे वो लोग ज़्यादा खुशगवार हैरानी उन लोगों के साथ काम करके होती है जो हार्ड वर्क करते हैं अपने कैरेक्टर के लिए। तो इसके अंदर जिन लोगों ने हार्ड वर्क किया अपने कैरेक्टर के लिए वो दो तीन लोग थे। वो उस्मान जावेद खुद जो मीरल का कैरेक्टर कर रहे हैं। कभी कभी ऊंट को एहसास नहीं होता कि वो किस पहाड़ के नीचे आ चुका है। भाई ये पुलिस वाला है तो जिस कदर एक्शन पुलिस वाला करता है वो तो है इसके अंदर बिल्कुल है। और ऐसा भी नहीं है कि एक्शन ड्रामा है, इसके अंदर बाकायदा ड्रामा ड्रामा है। मतलब आपको वो ड्रामा भी मिलेगा जो आपको इंगेज करेगा, मतलब जो ख्वातीन देखना चाहती हैं वो वाला ड्रामा भी मौजूद है इसके अंदर। इसके अंदर वो ड्रामा भी मौजूद है जो मर्द देखना चाहते हैं। तो ये कुछ हमने क्या हाशिम नदीम साहब ने एक इम्तिजाज रखा है कुछ OTT प्लेटफॉर्म के जो ड्रामे हम देखते हैं, पुलिस चोर पुलिस वाले, और जो हम पाकिस्तानी जो एक टिपिकल ड्रामा देखते हैं, उसको उन्होंने एक तरह का मर्ज किया है इसके अंदर, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको दोनों तरह का हर एपिसोड में दोनों तरह का ड्रामा मिलेगा। जी जी, इससे पहले ताना बाना में दानियाल जफर भी थे जी, तो मेरे साथ ये कुछ उससे पहले सम्मी में बिलाल खान भी थे बाय द वे। ये इतफाक है, मैं कभी सोच के सिंगर्स को एक्टर बनाने का मैंने ठेका नहीं उठाया हुआ, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि अभी बल्कि पिछले दिनों मुझे तो एक फ्लाइट पे अबरार साहब मिले और वो भी बड़े इंटरेस्टेड थे कि यार मुझे आपके साथ एक्टिंग करनी है। तो मैंने कहा यार थप्पा ही लग जाएगा कि एक्टर सिंगर्स को एक्टर बनाना चाहता है। वो अब एक्साइटेड हूँ मैं बहुत से सीन देखने के लिए, खुसूसन जो उसकी आखिरी कुछ 4-5 एपिसोड्स हैं उसके अंदर बड़ा एक्शन है और बहुत ऐसा ड्रामा है जो कि आपको एज ऑफ द सीट पे बिठा के रखता है। मुझे लगता है कि पता नहीं मैंने अच्छा किया है, वो अल्लाह करे कि ऐसा हो, अल्लाह करे कि वो पॉइंट आए तो मैं खुश हो जाऊँ। मुझे लगता है कि वैसे आप जनरली ग्रो कर रहे होते हैं, आप कुछ भी काम करें आप बड़ी, आप आवाज लाइक आज से 12 साल पहले, तो 12 साल में तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो ग्रो मैंने भी किया ही होगा होपफुली। वरना वैसे मैं तो देखता हूँ, मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरा पिछला ड्रामा जिस तरह का, जिस मौजू का, जिस इन्वायरमेंट का हो, उस अगला ड्रामा उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो। मैंने संगमरमर किया तो उसके बाद मैं फिर बेलापुर की डाइन किया, इंटायरली डिफरेंट जॉनरा, बिल्कुल डिफरेंट फ्रेम्स, उसका दिखाने का मकसद ही बिल्कुल मुख्तलिफ। इसी तरह से फिर मुझे संगे माँ के बाद अभी आया तो मैंने कोशिश की कि उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो, नज़र कम अज़ कम मुख्तलिफ आए। ऐसा क्या झोंक ख्याल में कि कोई सरकारी अफसर यहाँ टिकता नहीं? यूँ समझ लो कि तुम एक जालिम बादशाह की सल्तनत में आ गए। ये जुल्म नहीं, रहम है धनी बख्श। खुदा ने हर फिरौन के लिए मूसा पैदा किया। झोंक सियाल के मर्द और जवानों, ओढ़ लो ये नूरी का दुपट्टा। झोंक सरकार का शूट तकरीबन 80% कंप्लीट है, कोई 20-21 दिन का काम रह गया है, 15-20 दिन का काम रह गया है, जो इंशाल्लाह हम कल से दोबारा एक आखिरी स्पेल शुरू करेंगे। और अब तो बस ये ड्रामा आप लोग देखने ही वाले हैं इंशाल्लाह। ये मुख्तलिफ ड्रामा है, ये मौजू आम तौर पे इस तरह के मौजूद भी ड्रामे बने होंगे लेकिन कम ही बने हैं, मेरी करीबी याददाश्त में नहीं है ऐसा कोई ड्रामा। तो अगर आपको मुख्तलिफ ड्रामे देखने का शौक़ है जो आपको पकड़ के भी रखें, आपको बिठा के भी रखें टीवी स्क्रीन के सामने, ये आपको कोई कुछ अलग तरह का ड्रामा देखने मिले तो आप ज़रूर देखें इसको।
तीर ऐसा कि निशाना खुद उसकी तमन्ना करे। तुम वाकई इतनी खूबसूरत हो या औरत बागी होकर इतनी हसीन लगती है? तुम्हारे पापा मुझे घर दामाद बनाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। लंगड़े घोड़े पे रेस में कोई बाजी नहीं खेलता।